और लैटरल फोर्स रेजिस्टिंग एलिमेंट्स और लैटरल फोर्स रेजिस्टिंग एलिमेंट्स और लैटरल फोर्स रेजिस्टिंग एलिमेंट्स अनि नोट्स रे या लिखा इस लैटरल फोर्स असले कोन दुजन कनेक्ट हेबे तो दुटा लाइन ड्रॉ कर दिस इज द टू वॉल्स ए दुटा को पैरेलल अछि कि सिस्टम नो द सेम प्रेशर और सेम लैटरल फोर्स विल नॉट बी डेवलप यदि गोटे साइड रे मु स्ट्रेट रखी छि आ गोटे साइड इंक्लाइंड वाल अछि तो प्रेशर सेम डेवलप होबनि लैटरल फोर्स सेम होबनि सेति पई कोन कोन सिस्टम इट इज नॉट पैरेलल सिस्टम अ नॉन पैरेलल सिस्टम तो स्टैटिंग रो डिस्कस करबा टर्सनल रिजिडिटी पर्सनल रिजिडिटी रे यदि बिल्डिंग रो फिगर देखाय जो हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस करी थी एज्यूम करो एक हेवी मेटल और एक हेवी मटेरियल और हेवी लोडेड बिल्डिंग इज ओनली वन एट साइड बिल्डिंग रो गोटे साइड रे हेवी लोडिंग कराई छी एंड अनदर साइड इज लाइट लोड दिस इज द टॉप व्यू प्लान ऑफ द बिल्डिंग यदि ये कि असली भी डेवलप हुए लैटरल फोर्स ये वॉल रे लैटरल फोर्स डेवलप हुई सो यू कैन चेक देयर आर यू गेटिंग एनी डिफरेंस बिटवीन दीस टू फिगर्स सो लेट्स एज्यूम दिस रिफ्लेक्शन इज डेल्टा 1 and this reflection is delta 2 which one is greater the relation between delta 1 and delta 2 delta 2 is greater than delta 1 deflection at section 2 is greater than a deflection section 1 inti compile hela what is the reason behind it gote side re adhika mass achi adhika weight achi tama jodi gote jinto tu pulls karibo eru face karibo jodi gote side re adhika loading thibo ba sei side re deflection kon hobo kom hobo ऑपोजिट साइड का डिफ्लेक्शन द ऑब्जेक्ट तो एमटी डिफ्लेक्शन होला तो द डिस्प्लेसमेंट ए शेप रे बनिला सो दैट इज आल्सो इररेगुलर स्ट्रक्चर तो बिल्डिंग जे तुमने डिजाइन करबो इन द जोन ऑफ अर्थक्वेक यू शुड रिमेंबर द फर्स्ट पॉइंट द टर्सनल रिजिडिटी शुड बी सेम एंड केन के बात है कि आर्थ प्रेशर लागु छी यदि अर्थक्वेक पर प्रेशर डेवलप हो छी लैटरल फोर्स डेवलप हो छी डिस्प्लेसमेंट कोन बात है सेम होगा delta 1 equal to delta 2 bari debi so this condition is a ideal condition ei condition re earthquake pai jaha bi effect asibo that is very less bujha korchi kon korchi yadi delta 1 aur delta 2 dui jon tar same region thi assume karo paper ready thila earthquake pai force asla paper saman distance move karichanti point 1 and point 2 yadi empty thila position re point 1 kom distance asithibo point 2 adhika distance asithibo enti inclined bonichibo keli कंपे बनिला ना गोटे साइड रे हेवी मास अछि दिस इज द जोन ऑफ हेवी मास अधिक वेट रो मास रखाइ छि बा अधिक बल्की मटेरियल रखाइ छि तो ऑब्वियस जे तने धक्का लगे ले साइड का कोनो कम डिस्टेंस छि ऑपोजिट साइड का अधिक पड़े तो किछि लोडिंग नहीं बुझा पड़ला तो फिगर कोनो छि रेगुलरिटी तो इकी जो इररेगुलरिटी छि ना इटा चिट टर्सनल इररेगुलरिटीज जोटा लास्ट रे पुंदि छि इटा चिन नॉन पैरेलल ये बीटा क्लियर हला कि नॉन पैरेलल मीन दुटा को वॉल पैरेलल इन द वे दैट्स व्हाई द लैटरल फोर्स और लैटरल प्रेशर इज डिफरेंट देन सेकंड टर्सनल रिजिडिटी दैट मींस ए हेवी मास और हेवी वेट इज गिवन ओनली वन साइड ऑफ द बिल्डिंग बिल्डिंग रो गोटे साइड रे अधिक मास अछि आ गोटे साइड रे किछि न ऑब्वियसली तो प्रेशर डेवलप हो बाबा अर्थक्वेक रो लैटरल फोर्स डेवलप हो गोटे साइड कम जीव आ गोटे साइड अधिक कंडीशन गुडा को कहि तुम ठीक ठाक लिखि दो एग्जाम रे बाकी चीज सब किछि दरकार फिगर थ्रू रे जदी कंडीशन ठीक अछि तुम निजो लैंग्वेज रे तुम एक्सप्लेन कर के लिखि पा देन गो टू द पॉइंट नंबर बी री एंट्रेंट कॉर्नर किछि आइडिया छ कॉर्नर री एंट्रेंट देखि किछि बिल्डिंग से देखि छ जहां कॉर्नर री एंट्रेंट दि पा सो सी आई विल ड्रा द बुक फिगर दिस इज फिगर 1 and this is figure 2 are you getting the point there are two figures in plan which one is regular building and which one is irregular figure 1 is regular you can check the corner
Suppose the distance here to here is B. Distance here to here is A. The same distance opposite. Distance A and this distance will be B. So this is a simple figure. It is a regular figure. So now check the irregular figure. Let's assume this distance is A and the total distance is L, or the length of the building is L. According to code, according to the earthquake design code, the A by L ratio should not be greater than 0.15. Remember this value. That means your ratio of A by L. Suppose A is 2 meter H, L is 20 meter H. So ratio check kari. A ratio divided by L ratio. Which bhi data? So tum tumko dekh jodi L hoti 10 meter. Let's assume L equal to 10 meter. And so the question set me. What will be the value of A? According to IS code, what will be the value of A? Then we can put the value. A by L is greater than 0.15. Then what is it? Irregular. L divide H, right side to left. Multiply 0.15 into L. So this is the value of L, 10 meter. L is the put the 10 meter. Calculator mark check. Jahar answer as you तार तुम जो भी तुम्हें A अधिका प्रोवाइड करी चाहिए जो आपसे डिस्टेंस का अधिका दे चो तारे तुम्हें बिल्डिंग कौन कौन जीवो इरेगुलर आज ए रेस्पॉन्सिबल इंजीनियर तुम्हारा ड्यूटी A डिवाइडेड बाय L रेशियो चेक करियो जब ये टेक ग्रेटर देन 0.15 ही जाऊँ ची 0.15 मानी कितने परसेंट 15% 15% रो अधिका हो ची दैट बिल्डिंग इज ए इरेगुलर स्ट्रक्चर तले रेगुलर को या कहीं कंडीशन कौन मारा था less than 0.15 to adhika le irregular hi jibo tale kemiti mu design karibi what is the design procedure to make that building a regular shape regular koriya pai kemiti banebi na a by l ro ratio less than 1.5 or equal to 1.5 kar reverse condition ko khali change kar dekhi kon khai chhi je a by l jodi 0.15 to adhika le tar kon mani jibo irregular यदि मु लेस देन इक्वल कर देले कोनी जीवो बुझा पड़ला री एंट्रेंट कॉर्नर ई कॉर्नर को भी देछो आर्थक्वेक टाइम रे एक कॉर्नर ता सबुत अधिक अफेक्ट हो दिस इज अ इरेगुलर शेप एक जो पॉइंट को राउंड करी छी दिस पोजीशन विल मोर अफेक्ट ड्यूरिंग द अर्थक्वेक जितो बड़े तुम ओपनिंग से को अधिक दे दबो एल बाय एल रो रेशियो को अधिक दे दबो तल बिल्डिंग कौन कौन जीवो इरेगुलर इरेगुलर हो बो माने ऑब्वियस कथा तर परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जेंदी तुम एग्जाम में प्रिपेयर हे छो यदि कम प्रिपेयर हे छो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस कौन हो लो परफॉर्मेंस सेम तुम पर बिल्डिंग डिजाइन करो तो यू शुड कंसीडर द आईएस कोड में आईएस कोड और जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस सच तुमको मान रखो ये सब चीज तुम चेंज कर ही करबो दिस इज द कोड दे बुझा पाला कौन कोई नहीं ए डिवाइडेड बाय ए ट्राई करके देखिबो 0.15 जो भी अधिक आ ही जाऊ छी ता नहीं रेगुलर तन कौन करियो को पडियो रेगुलर पई लेस देन 0.15 और इक्वल टू 0.15 बुझा पडि गेला नंबर 2 देन नंबर 3 डायाफ्रैगम डिसकंटिन्यूटी व्हाट डू मीन बाय डायाफ्रैगम डिसकंटिन्यूटी टेलीस्कोप देखि छ सर टेलीस्कोप डायाफ्रैगम सेंटे बिल्डिंग रे कौन करनी बो डायाफ्रैगम डिसकंटिन्यूटी चेक करो आके टाइम मु दुटा फिगर को बिल्डिंग का मतलब हॉस्टल बिल्डिंग अछि बा कॉलेज बिल्डिंग अछि मिडिल स्पेस टा के ओपन एरिया था यस सर मिडिल में किछ स्पेस ओपन रखा जाता है व्हाट इज द रीजन रीजन कोन है स्पेस टा को ओपन रखी बा द फॉर वेंटिंग एक ही ओपनिंग में देख पा लेबा ने बाकी छि किछ हॉस्टल में देखियो स्टार्टिंग रे एंट्रेंस रो ओपनिंग दे आइतो छत बिल्डिंग रो मिडिल रो ओपनिंग थिबो ना इन द गोटे साइड रो ओपनिंग तो सब टोटल एरिया को मैं एज्यूम करू छी सपोज एएफ एंटी कहीं के लिए एरिया ऑफ फ्लोर एएफ स्टैंड फॉर फ्लोर सेम टोटल एरिया इक्वल टू ए ओपनिंग एरिया जो मिडिल एरिया है तब लिख ले एओ एरिया ऑफ ओपनिंग सेम एरिया ऑफ ओपनिंग बुझा पड़ला फिगर हम कौन बने छी बिल्डिंग अछि दैट मिडिल पर्सन इज ओपन एरिया बाकी कितने पर्सन मेरे बिल्डिंग थी वो यदि भी पर्सन हैच कर देंगे तो हम पहले मिडिल पर्सन ही जो ओपन एरिया ओपन अच्छी खाली अच्छी बेटा तो फिगर क्लियर लगती है
अकाउंट रिक्वायरमेंट चाहूँगी देन कोड बुक रो फॉर्मूला बताइए व्हाट इज द स्टैंडर्ड कोड वैल्यू कोड कोची इफ द ओपनिंग इज प्रोवाइडेड इनसाइड ऑफ द बिल्डिंग एट मिडिल ऑफ द बिल्डिंग ए नॉट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.50 ऑफ ए किसा कोन कोची त माने केते परसेंट रो अधिक आबा कथा नहि 0.50 कितने परसेंट 50% 5% में 50% यदि मो पाखरे टोटल एरिया अछि एएफ इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर गोटे बिल्डिंग को बनै छी जोटा के 100 स्क्वायर मीटर तले ओपनिंग केते स्क्वायर मीटर रो अधिक आउ नथिबा कथा 50% माने केते आबा 100 रो 50% पर ओपनिंग For that condition, may not should not be greater than 0.108. बेटा को कतरे देखि बनत बहुत के मु परसेंटेज को अधिक कंसीडर करी छी सेंट्रल फिगर साइड रे 1.9% इंक्लूड कराई छी व्हाट इज द रीजन हियर इज 10% एंड हियर इज 50% यानी मिडिल में यदि बिल्डिंग फेल होबो त किछ टाइम लागबो फेल होबा पई यदि इमीडिएट अर्थक्वेक पई क्रैकिंग द साइड रो स्टार्ट हो जाए ओपनिंग रखी ना ओपनिंग माने इजीली अर्थक्वेक पे डैमेज हो जो कि ओपन स्पेस थाए अर्थक्वेक इमीडिएट डेवलप करिवो क्रा तो ई जोन रे कोना माने जल्दी भांगी जीवो बिल्डिंग इटी को के ओपनिंग मिडिल रे अछि सेते दूर क्रैकिंग आसी कि पहुंचिले अर्थक्वेक पहुंचिला पर डैमेज बुझा पड़ छि कोन कोन दुटा रेगा फिगर बिटरे डिफरेंट टोटल एरिया इज डिनोटेड बाय ए ए एरिया ऑफ मिडिल एरिया ओपनिंग एरिया इज डिनोटेड बाय ए dot r a o area of opening in case 1 area of opening should not be greater than 50% in case 2 area of opening should not be greater than 10% kichi doubt achi step re simple kodal ro value mone rakhiya pai padibo diagram through re explanation aa gote point bachi hola aa gote raila out of plane out of plane no meaning वो टाइप का स्ट्रक्चर बने छि मु फ्रेम स्ट्रक्चर फ्रेम स्ट्रक्चर फ्रेम मले देखा दतु स्केलेटन मले देखा दतु इसु वर्टिकल मेंबर मटा कोन कॉलम हॉरिजॉन्टल मेंबर इज बीम इति जो सिंबल बने छि रखा सिंबल आर का सिंबल फिक्स इति कॉलम के दी के माटी संग कनेक्शन फिक्स कनेक्शन कॉलम जो जाई के हॉरिजॉन्टल मेंबर संग कनेक्ट हे दिबो ग्राउंड संग कनेक्ट हे दिबो कॉलम रो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन तमन पढे दिबो सब बेले बेस रे कॉलम के भी थाए फिक्स है तो अबे चेक करो हम 1 बन गई आउटर सरफेस रे जो ऊपर जति की तुम्हें फ्लो देखु छ सेकि वॉल किला ए जगह देखो वॉल का कोठे छि फर्स्ट कॉलम पाखरे किछि वॉल ना तो फिगर देखि की जाना पड़ु छि आउट ऑफ प्लेन है होला तो जे गोटे लाइन चूज करे प्लेन चूज करे सबु गुडा का वाल मोर गोटे प्लेन रे अछन की सिंगल प्लेन रे अछन की जेते बले लोड ट्रांसमिशन होबे की देखो लोड आसला ई वाल थ्रू रे नेक्स्ट को भी जीवा कथा एंटी जीवा कथा से जाई पारिबो किछ कंटिन्यूएशन अछि सेठी नाही तो लोड केम भी हो ई साइड को फिर ट्रांसफर होबो ग्राफ तो ए पर्सन रे सो दिस पर्सन इज आउट ऑफ प्लेन जो प्लेन चूज करी थी सेक्शन चूज करी थी से सेक्शन ऊपर टोटल रो वाल ला येलो कलर को जहां बनने छि सेटा छि वाल माने इते को कांथो बनने जेती दूर बनि फिर साइड को लिपि ऊपर को कांथो तो इते डिजाइन हो छि आर्किटेक्चर माने इते डिजाइन करू छन जे बिल्डिंग रो फर्स्ट फ्लोर रे ओपनिंग थी बट टॉप फ्लोर पासी गले गोटे फना स्लैब दे एक्सटेंड करै दे सो दैट टाइप ऑफ बिल्डिंग इज डेंजरस ड्यूरिंग आर यदि एंटी तमे बनौ छ त निहात के की सपोर्ट सिस्टम देइबो कनेक्शन देइबो कथा कलम यदि एंटी किछि कनेक्शन न दबो this type of drawing is known as out of
प्लेन टू बाहर अच तो फास्टा पॉइंट मित्र को फाइंड आउट द इमीडिएट को आउट रे बसे दे पर्सनल रिजिडिटी मींस गोटे साइड से अभी का लोडिंग अनदर साइड रीएंट्रेंट कर नॉट ए बाय एल रेशियो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15% 0.15 डायाफ्राम डिसकंटिन्यूटी दुटा केस थिला डायाफ्राम कौन कौन केस मिडिल ले थी ना गोटे साइड रे मिडिल ले थी 50% साइड ले थी 10% आउट ऑफ प्लेन यदि वॉल टा गोटे प्लेन रु बाहर रे नॉन पैरेलल सिस्टम केति देखि थिले दुईटा वॉल पैरेलल हो किछ डाउट करेला इरेगुलर स्ट्रक्चर हम इरेगुलरिटी पढुचे एथि पय हम क्लास रे बा प्रैक्टिस करबा फ्यूचर रे बहुत सारा इंसिडेंट अछि हम पाखरे बहुत सारा प्रीवियस डाटा अछि जो कि रिसर्चर माने लास्ट रिसर्च करके देखि छथि जे बिल्डिंग रो इरेगुलरिटी इज आल्सो ए फैक्टर फॉर अर्थक्वेक स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रे बिल्डिंग भांगीबा पई इरेगुलरिटीज भी गोटे रिस्पांसिबल ये भी गोटे कॉज रीजन प्रीवियस क्लास रे बताई थी दो तीन टा पॉइंट यदि पोअर मटेरियल एंड पोअर वर्कमैनशिप खराब क्वालिटी रो मटेरियल यूज करबी खराब क्वालिटी रो काम बनै ताहाले भी कोन हो बिल्डिंग भांगी तो बहुत सारा रीजन अछि से रीजन भी तो एटा बहुत इंपोर्टेंट रीजन हमें जो डिजाइन करबा डेफिनेटली वी शुड फॉलो आईएसओ बुझा पोला थी कांसेप्ट तो एबे नेक्स्ट डिस्कस करबा वर्टिकल इररेगुलरिटीज और एलिवेशन इररेगुलरिटीज सो फर्स्ट वन इन वर्टिकल इररेगुलरिटीज फर्स्ट वन इज स्टीफनेस S T I F N E S stiffness irregularity and number B mass irregularity geometrical irregularities and number D weak state here is also the four factor which will be included in vertical irregularities आज तो देखि के तुम कोटा कमो भीतर कमो निजो लैंग्वेज रे बुझी पा छो ते मास इररेगुलरिटीज कोन है थिबो विच स्टोरी कोन है थिबो खाली बते दो छी स्टीफनेस इररेगुलरिटी इज आल्सो नोन एज सॉफ्ट स्टोरी स्टीफनेस इररेगुलरिटी का आउट नाम हो छी सिनोनिम हो छी सॉफ्ट स्टोरी विच स्टोरी सॉफ्ट स्टोरी आराम रे चैप्टर पॉइंट मने रखि पारिबो फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू विच स्टोरी सॉफ्ट स्टोरी मास इररेगुलरिटीज ज्योमेट्री का भी तुम समस्त को मैं इजी हो तो ये दुटा मास एंड ज्योमेट्री बाकी दुटा तुम बता दे तुम साइड बता पा रही हो ज्योमेट्री इररेगुलरिटीज व्हाट डू मीन बाय ज्योमेट्री इररेगुलरिटीज देखो बोले कि बिल्डिंग बन हो दिस इज वन बिल्डिंग बट एंटी पर मन जो सब बड़े सब सब बड़े ते समान बिल्डिंग बने भी एटी भी जति की डिस्टेंस को एटी से ठीक है पॉसिबल नहीं हमें सब बड़े कोन बिल्डिंग रो साइज और हाइट सेम बने बट आर्किटेक्चर डिजाइन पर एटी के बिल्डिंग को स्टाइल बने आ पे हमें कोन करू मॉडिफाई करू बेस अधिक ताई विथ कम ताई तो कोड गोटे परसेंटेज तक अलाउ करू छी कोड बुक कहू छी जे गोटे परसेंटेज तक तुम भूल को माफ करी
তারপরে তুমি যদি ভুল করিব তাহলে কোন তুমি রেসপন্সিবল হবো আপ হয়ে তো কেতে পারসেন্ট তক সে অ্যালাউ করুছি 150% দেড়শো পারসেন্ট তক মুঁ তোমার ভুল কু আডজাস্ট করি দেড়শো পরে যদি তুমি এক্সট্রা করুছ 151% এর দেন ইউ উইল বি রেসপন্সিবল তাহলে ইকুয়েশন L2 should not be greater than 1.5 of 1.5 means 150% can guess la divided by 100 0 0 cancel 15 by 10 1 tale kon jesu jodi mor l2 ko 15 niye tale l1 kete hobo amore was like this to no mu l1 ko 10 meter ne tale l2 kete tak mu koni pari L1 होची 10 मीटर अकॉर्डिंग टू कोड बुक मैक्सिमम L2 डिस्टेंस मु केते नहीं करबी तार पोरे जदि मु कंसीडर करबी दैट विल बी इरेगुलर स्ट्रक्चर दैट A इनटू L1 जगह का जो पुट कर A इनटू 1.5 हाउ मच 15 तो L2 मु केते मीटर से बनी करबी 15 मीटर तार को जदि अधिका बनोची साइज सो दैट बिल्डिंग इज ए इरेगुलर यदि L2 को बढाई बसी हिसाब रे L1 को भी ठीक बढाई दो रेशियो को एडजस्ट करिया ধরো যদি বিল্ডিং র বেস র সাইজ কো বড়াউছ সাইজ অফ বেস অফ দ্য বিল্ডিং ইজ ইনক্রিজ তাহলে সিমিলারলি কাল কো ইনক্রিজ করিবা পড়িব টপ রে যে ওয়েট আছে L1 আছে তাকে ইনক্রিজ করিয়া পাই পড়িব বুঝা পড়ল নাম্বার সি জিওমেট্রিক্যাল ইরেগুলারিটিজ 150% তক অ্যালাউ 150% পরে যদি তুমি অধিকা কনসিডার করুছ যদি কইটি 15 না নেই কি 20 দেই যাই তাহলে কত পার্সেন্ট হই গলা 10 র 20 টা কত পার্সেন্ট 20 जो बिल्डिंग रे जते फ्लोर अछि सब फ्लोर गुडा का समान पर्पस पर यूज करा होची की नो ए फ्लोर का सपोज क्लासरूम पर यूज करा होची आ उ रूम लैबोरेटरी पर यूज करा आ उ रूम सेमिनार क्लासरूम थिबो सो ऑल द लोड इज वेयरिंग सब बिल्डिंग रो फ्लोर रे समान लोड पड़े फिगर फ्लोर रे बते दो छी देख पूजा पे करे सपोज इट आउट द फ्लोर अछि This one is the heaviest floor or heavy mass. Heavy mass. Now, as you can see, A floor का weight का उसका mass का उसका W1 and this is W2. So, बताओ which one is greater? ये दो इटा weight कितने हैं? हर weight आप देखा कि बोटे floor रे और दिका weight आप सोचिए heavy mass अच्छी से floor रे. Relation कौन बनी हो? तो यही रीजन पे तुमको मना करा होतला तो एंगल फंक्शन होची नाचनी बोली डेंग दवा की नाचनी से रूम रे रीजन कोन हो ना गुटे फ्लोर रे अधिक लोड पड़े आसीबो आ गुटे फ्लोर रे कम लोड बैलेंस हो बनी अनबैलेंस हला माने स्ट्रक्चर भांगी बार चांस अछि तमे कोन हो ना हम काई मना कर छथि रीजन से इटा त बड़े बहुत स्टूडेंट एका साइड रे से हेवी मास आसी की गुटे फ्लोर रे रही जइबो आउट ऑफ फ्लोर कम कम लोड अछि तो ऑब्वियसली यही कंडीशन में आसी W2 इज ग्रेटर देन W1 सो दिस इज द केस ऑफ इरेगुलरिटी मास इरेगुलरिटी बुझा पाला कोन कोई बट फिर भी एटा तुम सब बड़े पसे कोन सर एटा कोन आइडियल कंडीशन की मैं यूज कर पाई की W1 इक्वल टू W2 तो भी नो वर्ल्ड रे केही भी पॉसिबल करि परिबेनी जे तमे एटी 40 जण पिना छ सिविल रे कोई तो इलेक्ट्रिकल रे 120 पिना बसी दिबे तो दुटा को फ्लोर को वेट सेम हो नो सती पाई कोड बुक भी कितने परसेंट तक लिमिट आना होगा 200% बोला तो तुमको 200% तक अलाउ करू छी तार पोरे जब तुम एक्स्ट्रा पोके तुम में रिस्पांसिबल हो तो कौन बन इस इक्वेशन W2 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 200% परसेंट को डेसिमल में करू तो 0.0 2 इक्वेशन मुझा पर लगी कौन लिखी ली W1 रो जहां वेट अछि
200% तक allowable, up to 200%. Suppose मैं उधर rough data दे दूँ, W1 equal to suppose 100 पीस, तारे W2 कितने तक allowable होगा? 100 into 2, 200 पीस. जैसे मैं वो बोलते भी extra kg add कर दूँ चोर, 201, so that building will be irregular. बुझा पड़ची कौन कोई? दूसरा जाकर weight कैसे भी same होगा? तारे machine नहीं कहीं. वर्ल्ड रेंज किसी जिनस ना जे परफेक्ट थिबो नो वन इज परफेक्ट तो सिमिलरली स्ट्रक्चर रे w1 इक्वल टू w2 नेवर पॉसिबल अरे केबे भी अबो न तमे गोटे रियलिस्टिक आइजन को ए रूम रे जति के बेंच पड़ी छी ऊपर रूम रे पण सत की बेंच थिबो तो ऑब्वियसली लोड विल बी डिफरेंट तो सति पय हम पढबू करल करू छी अप टू 200% ताको अधिक आले बिल्डिंग रे था पूछा पड़ी गला दुइटा तक मास एंड ज्योमेट्री मास रे कितने परसेंट तक कंप्यूट करू थी 150% ज्योमेट्री 150% मास रे 200 एबे आउ दुइटा डाउट है द सॉफ्ट सोले एंड मॉल जाई छ शॉपिंग मॉल शॉपिंग मॉल रो बेसमेंट देखि छ शॉपिंग मॉल रो बेसमेंट आ कोन से सिनेमा रो बेसमेंट आ जदी अपार्टमेंट रो बेसमेंट स्पेसिफिकली दिस बेसमेंट और फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर इज यूज फॉर द पार्किंग पर्पस सब बडे गाड़ी पार्किंग पे यूज करा सेठी केबे वॉल देखि छ साइड रे केबे नथु दैट इज ओनली अ कॉलम स्ट्रक्चर एटी खाली कॉलम थिबो तबर तर फास्ट फ्लोर को पड़े हो कि कॉलम और वॉल पाइस यस सर शॉपिंग मॉल रे ऊपर उड़ा खाली नहीं नहीं तो तुम तल को पड़ी जाओ शॉपिंग मॉल ग्राउंड फ्लोर रे जो कि पार्किंग कराउ छी सेठी ओनली कॉलम अछि से पार्किंग एरिया को कोन कोती बेसमेंट सिविल इंजीनियरिंग का कराउ छी प्रेस तब हम तो ये बिल्डिंग रे आको एक आसीला तले के फास्ट फेल होवर चांस अछि व्हिच वन विल बी फेल फास्ट ये ग्राउंड फ्लोर ता बेसमेंट ता भांगी बो रीजन कोन ना एटी तो मझीरे मझीरे वाल अछि एटी भी वाल अछि सब जगह वाल अछि मान समस्त समर्थन सपोर्ट देबे ए जगह तो कि सपोर्ट अछि कि कलम रे एटी सपोज तमे भाबो तमे एकला अछ तमे संगे रे के सपोर्ट दबा पई ना आठ कोइ गसला त कोन हो बेस तमे तम को नी फर्स्ट फ्लोर केस पे जिंग करो दिस वन इज कलम ए साइड रे वाल अछि त से कोन इजीली जाई परिबो कि साइड को जाई परिबो नी कोन पई ना साइड रे वाल अछि त कोले सपोर्ट सिस्टम मिलु छि बुझा पड़ हम कोन कहू छी सॉफ्ट फ्लोर तो कौन सा फेल होगा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर विल बी फेल फास्ट तो मैं एजिंग करूं जी सपोज दिस स्टिफनेस इज एस1 दिस स्टिफनेस इज एस2 तो दुटा जन दुई जन पर स्टिफनेस एजिंग कर तो स्टिफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी जान छ तो से जो साइड हो छ ना सेम प्रॉपर्टीज का तो से कहू छी कोड बुक पे हमको रेशियो वाला दे छ अप टू 70% इज अलाउड 70% तक चलिबो त मन को रेशियो एरिया लिख परबी s2 s1 should not be greater than 0.7 of s2 s1 should not be greater than 70% of s2 अरे बेटा भीतर एक कोटा स्टीफ अधिका हो ऊपर सरफेस गुड़ा करता पाकरे कौन अछि सपोर्ट अछि बेसमेंट ता लूज जते बले बिल्डिंग फेलियर रहबो आयोजन करो आप कोई कासिला इंडिया ते जते बले शॉपिंग मॉल गुड़ा को भांगी बना हमार एक आग भांगीबो एंती ए कॉलम गुड़ा को सब आग बेंड है बुझि पत कोन कहू छी ए टाइप रो भांगीबो कॉलम गुड़ा को आग फेल हबो तार पर टॉप रे जते भी फ्लोर अछि एका संगरे पड़िबो रीजन कोन नै कि किछि सपोर्ट नै ओनली कॉलम फर्स्ट फ्लोर रे कोन थिला कॉलम साइड रे सपोर्ट थिला के सपोर्ट प्रोवाइड करू थिला बीम एंड वॉल सो मूव टू द लास्ट पॉइंट क्विक स्टोरी हमें स्ट्रेंथ हाइजिंग करियो अच्छा हमें केबे वीकनेस फील करू क्विक रो अपोजिट ता कोन स्ट्रांग बस स्ट्रेंथ जेमति को होय त मु किछि किछि इंटरव्यू रे पचरा होय व्हाट इज योर स्ट्रेंथ त बहु थिमो आई एम क्विक स्पीकिंग इन इंग्लिश Yeah, I know the variety of languages.
एक्सेल जानी वर्ड जानी पावर पॉइंट जानी गुड पर्सनालिटी सेंदी तमरो जेंती किछि गोटे स्ट्रेंथ अछि सेंदी बिल्डिंग रे गोटे स्ट्रेंथ अछि कि ना स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ थिबो ऑबवियस कथा सिमिलरली बिल्डिंग रे भी किछि वीकनेस अछि तो स्ट्रक्चर देखु छ नै जे बरो देखु छ आरे वीकनेस अछि तो रेशियो कोन डेटा कोन ड्राइंग हो छ जहां भी क्वेश्चन तमे मम्मी एबा सॉल्व करियो सेमिस्टर रे थ्रू आउट द ड्राइंग सब गुडा का ड्राइंग रे एक्सप्लेनेशन So let's assume the strength of first this floor is S1. Strength of the above floor is S2. बोलते बुझूँ कौन कौन? दूसरा floor को मैं assume करूँ. S1 is the strength of this floor and S2 is the above floor. ये दूसरा भी तेरे जोड़ा तड़ा हो ची. Below तार strength हो ची S1. ये above हो ची तार strength हो ची S2. According to IS code हो ची. ये weak floor है ये one. माने वीक स्टोर है सही बिल्डिंग को वीक बिल्डिंग को आ जीवो वो बिल्डिंग को वीक बिल्डिंग कहेगी कंडीशन द लैटरल स्ट्रेंथ इज लेस देन 80% ऑफ द स्टोर अबव लैटरल स्ट्रेंथ सुनी जरा बोल से कौन पूछ लैटरल स्ट्रेंथ इज लेस देन 80% ऑफ अबव यदि इक्वेशन जनरेट करि परबो कोन हो इक्वेशन above रे किया ची S2 उसा कुछ कौन कुछ above माने ऊपरे कितने S2 80% माने factor का कितने जीवो 80 by 100 0.8 अरे कितने पानी भी 0.8 80% अब above 0.8 into S2 strength of below floor which one is below S1 two concept हमें बुझी जीवो it is easy to generate by equation ते कोची दुईटा फ्लोर भितरे यदि बॉटम फ्लोर रो स्ट्रेंथ s1 वे टॉप फ्लोर रो अबव फ्लोर रो फ्लोर स्ट्रेंथ के दउ छी s2 त सही दुई जण को भितरे रिलेशनशिप s1 शुड बी लेस देन 0.8 80% तक लेस हले भी चलिबो यदि तार को वीक हो जाए 90% वीक हो जाए त एही बिल्डिंग तक देखो यदि एही बिल्डिंग का व एही फ्लोर का यदि वीक हो जाए कंपैरिजन टू अबव फ्लोर तब स्ट्रक्चर का कौन कहिबा इरेगुलर अरे सब फ्लोर रो स्ट्रेंथ समान बनेबा दैट इज आल्सो ए वेरी डिफिकल्ट टास्क मु कोटी मटेरियल भलो ई मटेरियल यूज करितिरि कोटी गुड क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप करितिरि माने भलो काम टिके करितिरि माने तमे 5 दिन सपोज पाठ पढुछ सब दिन समान पढुछ कि कोदिन टिके अधिक पढुछ कोदिन टिके कम पढुछ सिमिलरली स्ट्रक्चर रो स्ट्रेंथ अछि सब फ्लोर रो स्ट्रेंथ सेम हो कि नो एक फ्लोर स्ट्रेंथ को मैं अज्यूम करली s1 ऊपर फ्लोर स्ट्रेंथ को अज्यूम करली s2 एबे कोन कहली यदि s1 और s2 भीतर रिलेशनशिप स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन मोर देन 80% अबव ऊपर फ्लोर के केला s2 लोअर फ्लोर के केला s1 एटा बनिस तो पूछा पड़ी गला सब पॉइंट तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इररेगुलरिटीज हॉरिजॉन्टल इररेगुलरिटीज एंड वर्टिकल माने फ्रंट व्यू रा हम देखले जाय रेगुलर हॉरिजॉन्टल माने यदि मु तुमको के क्वेश्चन करे टर्सनल इररेगुलरिटीज इज फिफ्थ टाइप ऑफ इररेगुलरिटी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आउट ऑफ प्लेन इज व्हिच टाइप ऑफ आउट ऑफ प्लेन स्टीफनेस स्टीफनेस इररेगुलरिटी वर्टिकल तो मोर लास्ट क्वेश्चन हाउ मच परसेंटेज इज टेकन फॉर द मास इररेगुलरिटी मास इररेगुलरिटीज पई कितने परसेंट तक चढ़े 200% ज्योमेट्री पई 100% सो कोड रे जहां परसेंटेज दे छ तुमको मन रखे पई पड़ी आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल सो फॉर डिटेल्ड नोट्स आई विल शेयर इन योर क्लास व्हाट्सएप ग्रुप अदरवाइज यू कैन कलेक्ट फ्रॉम इज देयर एनी डाउट नो इट्स डाउट है जिसे समझ रहे कम साइड ग्रुप क्वेश्चन कांसेप्ट इज फॉर सेमेस्टर रे explain the effects of structural irregularities in RC frame building ote building bhagya pai kon reason irregular nahi lagi jibo irregular kon kete type ra hote for I think it's clear to all of you and thank you for your patience thank you sir